हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज का टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और इसके विस्तार के लिए इसमें क्या सुधार होने चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के 6 ऑर्गन में से एक है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 मेंबर्स को 2 इयर्स के लिए चुना जाता है। इन 5 मेंबर्स को वीटो यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त होता है। देखिए, वीटो का मतलब यह होता है कि अगर किसी डिसीजन पर इनमें से कोई भी एक देश एग्री नहीं है तो वह डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, उस डिसीजन को अस्वीकार कर दिया जाता है, और यही वीटो का अधिकार इन 5 मेंबर्स को मिला हुआ है। और ऐसी स्थिति में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स में हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन ये है कि इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम करती है ये। अब हम करेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के लिए इसमें किस प्रकार से सुधार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसके बनाने के टाइम पर था, मतलब बिल्कुल स्थिर रहा है। जैसे यूएन की जनरल असेंबली में मेंबर्स की संख्या बढ़ी है, पहले इसमें 113 मेंबर्स कंट्रीज थी, लेकिन अब इसमें 193 मेंबर्स कंट्रीज है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़ी है। सिक्योरिटी काउंसिल में अब भी परमानेंट मेंबर्स के रूप में यूरोप की कंट्रीज का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। आज भी वही 50 इयर्स पहले वाला स्ट्रक्चर है, इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो आज के टाइम में कई कंट्रीज पावर के रूप में उभर कर सामने आई है, अपने आप को डेवलप किया है, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स के रूप में या इनके साथ जगह नहीं मिली है। इन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को भी नहीं बढ़ाया गया है, जिससे पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व सिमट कर रह गया है। इसलिए अगर परिषद का विस्तार किया जाए यानी कि इसको बढ़ाया जाए तो अन्य देशों को भी इसमें स्थान मिल सकेगा और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर के रूप में हैं और इनकी संख्या भी बड़ी है, इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल में इन कंट्रीज की बात को या उनके डिसीजन को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही तरह के मेंबर्स की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिससे इस काउंसिल को पूरे विश्व का समर्थन मिल सके। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को स्थान मिलना चाहिए। यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन यानी कि जो शांति स्थापित करने वाले अभियान होते हैं, उनमें जो देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें भी इसके मेंबर्स के द्वारा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जैसे कि इंडिया। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। यह विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो यह दूसरे नंबर पर है। शांति स्थापित करने के अभियानों में इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, लेकिन फिर भी परमानेंट मेंबर बनने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इंडिया 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। देखिए, आज के समय में ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज उभरती हुई पावर के रूप में सामने आई हैं, लेकिन ये यूएन के मेंबर्स नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के लिए इन कंट्रीज को भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अफ्रीका और साउथ अमेरिका को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। देखिए, ये सब सुधार ऐसे है जो सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोई भी परमानेंट मेंबर अपने वीटो का अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई भी संशोधन होना केवल इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यूएन में परमानेंट मेंबर अपना वीटो के अधिकार का यूज करते हैं
और किसी एक की इच्छा के अगेंस्ट कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है और इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर पहले जैसा ही स्थिर रहा है।